मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं कि हम सबका नवंबर 2016 का महीना कैसा जाएगा। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि नवंबर क्यों है हम सबके लिए खास। 12 और 26 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है। संतान सुख और संतान से सुख हम सबको चाहिए, उसके लिए इस दिन माता और बहनों को व्रत करना चाहिए। शाम को 5 से 7 बजे के बीच बिना नमक के भोजन करिए, संतान से सुख और संतान सुख का लाभ मिलेगा। 1 नवंबर को यम द्वितीया भैया दूज है। 5 नवंबर को सौभाग्य ज्ञान पंचमी और लाभ पांचम भी जिसे हम कहते हैं। 11 नवंबर को देव प्रबोधिनी तुलसी विवाह और चातुर्मास पूर्ण हो जाएंगे। वहीं 13 नवंबर को श्री वैकुंठ चतुर्दशी, 14 नवंबर को कार्तिक जो पूर्णिमा का जो आपको पता ही स्नान होता है पुष्कर कार्तिक स्नान समाप्त हो जाएगा। 17 नवंबर को चतुर्थी व्रत और वहीं 21 नवंबर को श्रीकाल भैरवी जो अष्टमी रहेगी। अब देखिए नवंबर के गंडमूल नक्षत्र क्या है। अगर आपके या परिवार में मित्रों में कहीं कोई बच्चा नवंबर में पैदा हो रहा है और वो भी 3, 4, 12, 13, 20 और 21 तारीख को पैदा होता है तो ये एक अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा माना जाएगा, जिसे हम गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ मानते हैं। पैदा होने से ठीक 27 दिन के आसपास जब वही नक्षत्र वापस आए तो उसकी शांति योग्य कर्मकांड पंडितों से करवाना आवश्यक होता है, नहीं तो थोड़ी सी उसमें तकलीफ आती है। बाद में बहुत सारी तकलीफों का सामना बच्चे को भी करना पड़ सकता है, परिवारजनों को भी करना पड़ सकता है। अब आइए बात करते हैं, अगर आपकी राशि धनु है तो यह महीना नवंबर का महीना कैसा जाएगा आप लोगों के लिए, इसे मैं कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। देखिए इस महीने की कुंडली इस वक्त आपके सामने 9 नंबर से शुरू हो रही है। देखिए 10 नंबर मकर राशि में मंगल उच्च राशि के 3rd हाउस में केतु विराजमान है, वही भाग्य स्थान में राहु 10th हाउस में गुरु विराजमान है, सूर्य बुध विराजमान है प्रॉफिट हाउस में और 12th हाउस में शुक्र शनि विराजमान है। इसमें सबसे पहले देखिए शुक्र परिवर्तन करेंगे अपनी राशि को। 7 नवंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर देवताओं के गुरु बृहस्पति की धनु राशि में जाएंगे। बुध 8 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में और 28 तारीख को वृश्चिक से फिर धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 नवंबर को अपनी नीच की तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब आइए बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए ग्राफ इस महीने का क्या कह रहा है। देखिए ग्राफ थोड़ा सा बिजनेस के लिए कमजोर है, सबसे कमजोर बिजनेस 50% तक आ चुका है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि 7.5 सेहत पर आप ध्यान अच्छा दे रहे हैं, जॉब और करियर भी मध्यम है 60% के आसपास है, सबसे बढ़िया मैरिटल लाइफ है। यानी अब आपको समझ में आ चुका है कि घर के अंदर सुख मिलना जरूरी है। शुरुआत करते हैं बिजनेस की, धनु राशि वाले लोगों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा नवंबर में। देखिए इस महीने आप बिजनेस पर जरूरत से ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी शनि आपको भटका रहा है, शनि आपको फालतू सारे काम करवा रहा है। जिस वक्त बिजनेस में आपको ध्यान रखना चाहिए उस वक्त आपकी सेहत गड़बड़ हो जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन के कारण आप अपना पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बिजनेस में बनती कुछ डील्स आपको परेशान करेगी। बिजनेस को दूसरों के भरोसे छोड़कर आप खुद मटरगस्ती करने में लगे हैं, एंजॉय करने में लगे हैं। एंजॉय करना अच्छी चीज है पर दूसरों पर भरोसा करके बिजनेस चला रहे हो तो कोई आपको कमा कर देने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेहत। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। गुरु ग्रह की फेवरेबिलिटी आपके लिए थोड़ी सी लकी जरूर हो सकती है। बाईं आंख लेफ्ट आई, कान तथा घुटने की प्रॉब्लम इस महीने आपको परेशान करेगी। नियमित रूप से अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना नहीं भूलें। आंतरिक शुद्धता बढ़ेगी, विचारों में नियंत्रण रखिए, हेल्थ के बारे में बात करिए, घर में कोई भी आता है हेल्थ के बारे में बात करिए तो अच्छा रहेगा। बढ़ते आगे, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा ही रहेगा। अब देखिए जॉब और करियर इस महीने, जहां वर्क प्लेस है उसमें काफी पीस और कंफर्ट बना रहेगा। उच्च अधिकारी आपको फेवर करते हुए नजर आएंगे, आपके काम की प्रशंसा होगी, आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। आने वाले समय में आपको कोई प्रमोशन, आपके कुछ लाभ हुए वृद्धि के योग बन रहे हैं। बॉस को हमेशा खुश रखिए क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, इस फॉर्मूले को अपनाकर चलना है आपको। तो कुल मिलाकर जॉब चेंज, प्रमोशन, नई जॉब, ये सब कुछ नहीं सोचना है, जो है उसको और बेटर बनाना है। मैरिटल लाइफ और आपके रिलेशनशिप, इस रिश्ते में महिलाएं खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट व बिजी पाएंगे। उनका जो एंथुजियाज्म है और जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके वजह से आप अपने रिलेशनशिप को और मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि घर तो महिलाओं, माताओं, बहनें, पत्नी इससे ही खूबसूरत बन सकता है।
पुरुष से घर इतना खूबसूरत नहीं हो सकता जितनी महिलाओं से हो सकता है। तो इस महीने आप इनिशिएटिव लेने वाली अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, और आप करिए, और साथ में बहुत एंजॉय करिए आप लोग, क्योंकि इस महीने मैरिटल लाइफ के हिसाब से भगवान ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, और शुक्र भी बहुत अच्छी पोजिशन में और शनि का भी आशीर्वाद मिल रहा है, तो कुल मिलाकर आगे बढ़िए। बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, इस महीने मंगल उच्च राशि के, तो साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आप जुटे हुए नजर आएंगे। हाँ, अपने मोबाइल को साइड में रखिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ों को थोड़ा से घर में दिन भर में 15-20 मिनट के लिए सिर्फ यूज करिए, क्योंकि ये ही ऐसी ताकतें हैं जो आपकी पढ़ाई लिखाई को आपको डिस्टर्ब करने वाली है। दोस्त तो बाद में भी मिल जाएंगे, ये एग्जाम वापस नहीं आएगा। और इस एग्जाम में जिस मजबूती से आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि योग बहुत अच्छे हैं, गुरु का भी आशीर्वाद है, मंगल का भी आशीर्वाद है। अब एजुकेशन में सफलता के लिए आपको करना क्या है, इस महीने आप अपनी पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुद जाकर दान करिए शुक्रवार या शनिवार को, तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ी सी हेल्थ के लेकर एक्सरसाइज वगैरह करके, थोड़ा सा 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करके आगे बढ़िए। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होने वाली है और कुल मिलाकर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि धनु राशि वाले लोगों के लिए नवंबर 2016 का महीना एक वरदान से कम नहीं है। बहुत आशीर्वाद ईश्वर का और माता पिता का मिलने जा रहा है। अगर आपकी राशि मकर है तो नवंबर 2016 का महीना कैसा जाएगा, इससे मैं कुंडली के माध्यम से आपको पहले बता देता हूं। इस वक्त की कुंडली आपके सामने देखिए, 10 नंबर से शुरू हो रही है। लग्न में मंगल उच्च राशि के, सेकंड हाउस में केतु, 8th हाउस में राहु, भाग्य स्थान में गुरु बड़े सुंदर है। वहीं 10th हाउस में सूर्य बुध का बुधाधिति योग बन रहा है। प्रॉफिट हाउस में शुक्र शनि दोनों ही आशीर्वाद दे रहे हैं, तो प्लैनेट को चेंज भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। 7 नवंबर को वृश्चिक से धनु में, बुध 8 नवंबर को तुला से वृश्चिक में, वहीं सूर्य 16 नवंबर को तुला से वृश्चिक में, और वापस बुध इस महीने 28 नवंबर को वृश्चिक से धनु राशि में जाएंगे। तो इस महीने आपका ग्राफ क्या कहता है मकर राशि वाले लोगों के लिए, तो देखिए, बिजनेस 60%, हेल्थ भी 60%, सबसे बढ़िया जॉब और करियर वाले लोगों के लिए महीना जाने वाला है। मैरिटल लाइफ सामान्य रहेगी, कुछ झगड़े, कुछ प्यार, कुछ इश्क, कुछ मोहब्बत, कुछ तकरार, यही चलेगा। तो बिजनेस कैसा रहेगा, देखिए, आपकी राशि में विराजित उच्च के मंगल पर, मकर राशि की जो उच्च के मंगल है वो आपको वॉरियर जैसे ताकत देने जा रहे हैं। यानी इस महीने आपको कोई ऐसी चीज पता लगेगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब उसे ही सब कुछ करके दिखाने के लिए आपके अंदर जो ताकत आ रही है, एनर्जी लेवल बड़ा हाई रहेगा। लेकिन देखिए, मकर राशि वाले लोग थोड़े से आलसी जरूर होते हैं, अपने आलस को भगाइए, खूब कमर कस के तैयार रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस महीने मंगल का बहुत आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ये जरूर है कि मंगल की वजह से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, आप जल्दीबाजी में कुछ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ बिजनेस रिलेशनशिप आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो सब लोगों को आपको मैनेज करके चलना होगा, कहीं एनर्जी गलत जगह पर नहीं चली जाए, ये ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए लोगों की, लोगों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए और फिर डेवलपमेंट अगले दिन करिए। अपने बिजनेस में मैनेजमेंट पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य होने से थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, यदि दशा अनुकूल है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह महीना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, परंतु अगर ऑपरेशन की कोई स्थिति बन रही है तो इस महीने आपका ऑपरेशन जरूर होगा, क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पर। इसलिए थोड़ा सा शनि मंगल की पॉजिटिविटी की वजह से आप ठीक जरूर हो जाएंगे, लेकिन हेल्थ की वजह से, आपकी जो लापरवाही है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन अधिक ध्यान रखने की वजह से भी डिस्टर्ब आप हो सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए महीना ठीक ठाक ही माना जा रहा है। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 4 से 5 नवंबर काठमांडू, संपर्क करें 9779801032862, 11 से 13 नवंबर लंदन, 14 नवंबर लेस्टर, 15 नवंबर बर्मिंघम, ईमेल info@grahukakhel.co.in, वेबसाइट www.grahukakhel.co.in, 20 से 22 नवंबर दिल्ली, संपर्क करें 6542068564 6454-4625, 23 नवंबर आगरा, संपर्क करें 02915190000, 9314728165,
26 से 28 नवंबर मुंबई। संपर्क करें 9324272446, 9322377660। अब बात करते हैं कि नवंबर 2016 के महीने में मकर राशि वाले लोगों के लिए जॉब और करियर कैसा रहेगा। जो लोग ओवरसीज में जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत पॉजिटिव है। जो अपने ही शहर में काम कर रहे हैं, उनको कुछ परेशानियां आ सकती हैं, किंतु अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस महीने सेटिस्फैक्शन का लेवल थोड़ा सा कमजोर रहेगा। लेकिन अपनी जॉब छोड़कर जॉब तलाश करने की कोशिश ना करें। जॉब में रहते हुए दूसरी जॉब की तलाश करिए, अगर वो मिल जाती है तब छोड़ने का प्रयास करिए। इस महीने जो मिडिल पार्ट रहेगा उसमें थोड़ी सी कम परेशानी जरूर रहेगी, क्योंकि 15 से लेकर अगले नवंबर के एंड तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ हद तक सूर्य डैमेज जो 16 तारीख तक थे, उस वजह से आपको कोई अपना ही आदमी परेशान कर सकता है। वैसे भी दुनिया में अपने दुख से तो लोग कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। इस चक्कर में आपकी एनर्जी का आप उपयोग गलत जगह पर लगाएंगे, तो आप हाथी की चाल चलते रहिए। पीछे कौन आपके पीछे भौंक रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने एडमिन पावर को और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि इस महीने आपको अच्छे प्रयास करने की वजह से अच्छी जॉब और जॉब में सफलता मिलने जा रही है। बढ़ते आगे, मैरिटल लाइफ। देखिए, घर में आदमी सुखी है तो बाहर भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। घर से ही दुखी होकर जाएगा तो परेशान रहेगी। मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप, मैंने शुरू में ही कहा था कि आपकी राशि में उच्च के मंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी मैरिटल लाइफ पर यूं पड़ सकता है, क्योंकि एक तो मंगल का प्रभाव होने की वजह से आपको गुस्सा बड़ा जल्दी आएगा। आप इस महीने कुछ हद तक फौजी जैसे रहेंगे, मतलब कि अति आत्मविश्वासी, वॉरियर जैसी क्वालिटी और बस डिसिप्लिन, और वो आपकी पत्नी कर नहीं पाएगी क्योंकि वो तो फौजी है नहीं। इस वजह से आपकी थोड़ी सी तकराहट होने जा रही है, तो आप अपने इस डिसिप्लिन को घर में मत थोपिए, क्योंकि घर है, इसमें सब तरह की चीज़ें होगी। घर भी बिखरा होगा, कभी पत्नी गुस्से होगी, कभी आप गुस्से होंगे, यही इस घर को हमें मंदिर बनाना है। कुल मिलाकर मैरिटल लाइफ के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा। और तनाव कम करने के लिए आप लोग वीकेंड पर बाहर घूमने जाइए, लॉन्ग वीकेंड है तो उसका और आनंद लीजिए। कुछ हद तक आपको बच्चों की वजह से खुशी इस महीने मिलने जा रही है, और हम बच्चों को जब खुश देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। कुल मिलाकर रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो इस महीने आप अपने माता पिता से अपने शादी के बारे में बात कर सकते हैं। बड़े परफेक्ट महीना है। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मकर राशि वाले लोगों के लिए व्यूह रचना, रणनीति प्लानिंग करने के लिए आपको इस महीने परफेक्ट टाइम है। अगर आप 4-6 महीने बाद की कोई इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई एग्जाम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो नवंबर आपके लिए प्लानिंग के लिए परफेक्ट है। आइए बात करते हैं कि अगर आपकी राशि कुंभ है तो नवंबर 2016 का महीना कैसा जाएगा। इसे मैं कुंडली के माध्यम से आपको बताता हूं कि इस महीने कुंडली कैसी रहेगी। थोड़ा सा काल सर्वियो का प्रभाव देखिए, लग्न में केतु विराजमान है और 7th हाउस जहां 5 नंबर लिखे वहां पर राहु विराजमान है। मंगल 12th हाउस में उच्च राशि के, 10th हाउस में शुक्र शनि की युति, वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग भाग्य स्थान में, गुरु अष्टम भाव में। कुछ हद तक डैमेज, कुछ हद तक अच्छी, तो कुंडली का मिक्स रिजल्ट इस महीने आपको मिलने वाला है। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। शुक्र 7 नवंबर को वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, बुध 8 नवंबर को तुला से वृश्चिक और 28 को वृश्चिक से धनु में, वहीं सूर्य 16 नवंबर को अपनी नीच तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि का इस महीने ग्राफ क्या कहता है। बिजनेस 60%, यानी आप फर्स्ट डिविजन से पास हो गए। हेल्थ डैमेज हो चुकी है। सबसे बढ़िया मजा आएगा सब लोगों को जो लोग जॉब कर रहे हैं, और वहीं मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप डैमेज है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। यह महीना बिजनेस में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला महीना कहा जा सकता है। आप पुराने ढर्रे को छोड़िए और सॉफ्टवेयर, अपने जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है, जिस प्रकार का भी बिजनेस है उसमें टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश करिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। जिन्होंने एकेडमी वगैरह खोल रखी है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा महीना रहेगा। और जो आपने चैलेंजेस लिए थे, वो चैलेंजेस आप 90% पूरा करने जा रहे हैं, जिससे आपको शाबाशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। लेकिन मशीन बार बार खराब हो जाएगी, एसी ठीक करवाएंगे, पंखा ठीक रहा है, गाड़ी खराब, कुछ ना कुछ आपके प्रीमिसेस में खराब जरूर होगा, और आपको इस महीने अपने वर्कर से थोड़ी सी तकलीफ आने जा रही है।
तो अपने वर्कर से प्यार मोहब्बत से चलिए, उनमें से किसी का जन्मदिन है तो सेलिब्रेट करिए, सब लोगों के साथ अपने प्रीमिसेस में पार्टी करिए तो अच्छा रहेगा। इसमें से किसी एक वर्कर की दुर्घटना होने की वजह से थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो सकता है। कुल मिलाकर बिजनेस के सारे चैलेंजेस आप पूरे करने जा रहे हैं, बस अपनी योजनाओं को सही ढंग से आप बनाइए और टेक्नोलॉजी को यूज ज्यादा करने के बारे में आज से ही सोचना शुरू करिए। सेहत, कुंभ राशि वाले लोगों को हाई फीवर, जुबान से संबंधित प्रॉब्लम, अगर आप गुटखा खाते हैं, पान मसाला, सिगरेट ये सब कुछ करते हैं तो समस्या आने वाली है, इससे आप दूर हो जाइए। बीमारी आपको बोलकर नहीं आएगी, आ जाएगी फिर आपको चक्कर बहुत लगाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर यह महीना थोड़ा सा ठीक रह सकता है। जॉब और करियर, देखिए नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल महीना कहा जा सकता है। बिजनेस, जो आप जिस कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपकी जॉब छोटी जॉब है, आपकी जॉब के अंदर बहुत प्रेशर है, आप उसको हैंडल कर पाएंगे। आपके कुछ इस प्रकार की मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने की वजह से आपके बॉस को बड़ा फायदा होने वाला है, जिससे आप उनकी नजरों में आगे और बढ़ेंगे और उसकी आपकी इमेज बहुत अच्छी हो सकती है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जॉब चेंज करने के बजाय जॉब को संभाल कर चलने की सलाह दूंगा। हाँ, अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो 8th हाउस के गुरु 12th हाउस को देखते हैं, तो आप स्थान परिवर्तन जॉब विदेश में जाकर करने के बारे में सोच सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ अगर आप सोचते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बढ़ते आगे, मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप, अभी स्थितियां टकराव वाली बन रही है। आप प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी और की वजह से रिलेशन खत्म होने जा रहा है। जो लोग दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को एक सलाह मैं जरूर दूंगा कि डिसीजन जल्दीबाजी मत लीजिए। पत्नी ऑलवेज राइट, इस महीने यही सोचना है कि मेरी पत्नी जो कह रही है 100% सही है, वरना आपको मैरिटल लाइफ में तकलीफ आने वाली है। अगर आप एक पत्नी गर्भवती है तो अबॉर्शन मिसकैरेज की संभावना बन रही है, उनका पूरा ख्याल रखिए और अपने जो रिलेशनशिप है मैरिटल लाइफ उसको जितना बचा के चल सकते उतना अच्छा रहेगा। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा नवंबर, देखिए समय हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होने जा रहा है। चांदी के बर्तनों का ज्यादा प्रयोग करिए, अपने आसपास चांदी की चीजें, चांदी गिलास में पानी पीजिए, चांदी का जग रखिए, खाने में थोड़ा सा केसर का उपयोग करिए और गुरु का ध्यान करिए। अपने गुरु के चरणों के स्पर्श करके चलिए, पिता के चरण के स्पर्श करके ही घर से निकलिए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। त्राटक एक साधना होती है जिसे करिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं। तो यह था कुंभ राशि वाले लोगों के लिए नवंबर 2016 का राशिफल। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपकी राशि मीन है तो 2016 का नवंबर महीना आपका कैसा जाएगा, इसे मैं कुंडली के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए 12th हाउस में केतु विराजमान है, 11th हाउस में बहुत सुंदर पोजीशन में उच्च के मंगल रहेंगे, वहीं शुक्र शनि की युति भाग्य स्थान में बन रही है। सूर्य बुध 8th हाउस में विराजमान है, वहीं 6th हाउस में राहु और 7th हाउस में गुरु। इन्हीं सब प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पर मैंने आपका राशिफल तैयार किया नवंबर का। शुक्र देखिए 7 नवंबर को वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाने वाले हैं, बुध 8 से 28 तक तुला से निकलकर वृश्चिक में, बाद में धनु में चले जाएंगे। वहीं सूर्य 16 नवंबर तक तो नीच की राशि में रहेंगे, फिर मित्र वृश्चिक राशि में जा रहे हैं मंगल के घर में। अब इन राशि वाले लोगों के लिए नवंबर महीने में ग्राफ क्या कहता है, देखिए तकरीबन 70% तक बिजनेस, मुझे लगता है चारों चीजें बहुत अच्छी है, हेल्थ भी बेटर है, जॉब और करियर भी बेटर है, सब 50-60 से ऊपर है। सबसे कमजोर अगर कुछ है तो वो मैरिटल लाइफ है, इसे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। आपकी विनम्रता, उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, तो आपकी चेहरे की मुस्कुराहट, थोड़ी सी विनम्रता, कस्टमर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन, सच्चाई और अच्छाई के बीच में आप बहुत अच्छे ढंग से तालमेल बिठाने जा रहे हैं, इससे आपके बिजनेस की नींव और मजबूत होगी, आपके कस्टमर आपके बहुत खुश होंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, हर एक का हालचाल पूछिए, बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। आप में चतुराई, काम को बड़े अच्छे ढंग से करने की बहुत अच्छी आदत है आपकी, लेकिन आप है ना एक जगह पर टिककर बैठ नहीं पाते हैं, आपका मन बहुत चंचल रहता है, भटकता बहुत ज्यादा है, कई बार शक करने लग जाते हैं, इसको कमजोर स्थिति को आपको ठीक करना है। अगर आप किसी एजुकेशन लाइन में, स्कूल कॉलेज, फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, यूनिवर्सिटी, योगा सेंटर, कोई भी ऐसा काम जो सर्विस इंडस्ट्रीज के तहत आता है तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। बिजनेस काफी सेटिस्फेक्शन आपको देने जा रहा है, आराम मिलेगा। वहीं जो कॉम्पिटिशन आपका है किसी और के साथ, उससे कॉम्पिटिशन मत रखिए, उसको भी तरक्की करने का और धन कमाने का अधिकार है। आप अपने करियर जो है, अपना जो कर्म है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, कौन क्या करता है इस पर नहीं सोचना है,
मजा आने वाला बिजनेस है इस महीने। बढ़ते आगे, हमारी सेहत कैसी रहेगी? देखिए, महीने के प्रारंभ में सूर्य का जो नीच का प्रभाव है उसकी वजह से जो ट्रांजिट है वो आपको थोड़ा सा दुखी करने जा रहा है। पेट, आंखों और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़िया सरसों के तेल से संडे को मालिश करिए और सुबह 7:30-8 बजे के आसपास सूर्य की धूप में बैठिए, विटामिन D3 लीजिए, तकलीफें कम हो सकती है। जॉब और करियर, देखिए जॉब में वैसे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप जबरदस्ती जॉब चेंज करने की जो सोच रहे हैं उसमें दिक्कत जरूर आ सकती है। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ आप तालमेल पर अच्छे ढंग से बिठाकर चलिए तो अच्छा रहेगा। आपने अगर किसी की चुगली की, किसी के साथ कुछ गलत बात आपने कर ली, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होने वाला है। यही एक गुरु मंत्र है कि तोल मोल कर बोलिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबके बारे में अच्छा करने के बारे में विचार रखिए तो अच्छा रहेगा। बढ़ते आगे, इस महीने आपकी मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप कैसा जाएगा? देखिए, पार्टनर की सेहत काफ़ी प्रभावित रह सकती है, इसलिए आपका मैरिटल लाइफ, बेडरूम रिलेशन थोड़े से कमज़ोर होंगे। इस वजह से आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी पत्नी की सेहत के प्रति पूरा ध्यान दीजिए, ईमानदारी के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ हद तक आप जो हैं वो स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, अपना ख्याल रखने में ज़्यादा आप ध्यान रखते हैं। दूसरों का ख्याल रखिए तो रिलेशनशिप और मजबूत होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता को इस महीने बताने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए, तो इसमें आपको माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा। नवंबर को छोड़ दीजिए, स्पेशली 16 नवंबर तक तो बिल्कुल बात ही मत करिए। तो ये था नवंबर 2016 हम लोगों के लिए, सबके लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल मैंने आपको बताया। आप इस पूरे राशिफल को हमारे YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। और आप लोग सब खुश रहिए, एंजॉय करिए, हर अगला पल खुशियों भरा होना चाहिए, उसके लिए पूरी योजना बनाइए, पूरा प्रयास करिए, दूसरे भी खुश रहें, यही सोच रख के आगे बढ़ना है हम सबको। तो आज मुझे अपनी वाणी को यही विराम देने के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार। हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190025 9829026258955 8955896625 email info@grahukakhel.com.in website www.grahukakhel.com.in